सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडकॉइन गेमिंग। तो आज मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं फिर से खेल रहा हूँ वन ब्लॉक। तो भाई पिछली वीडियो में तो आपने देखा ही था हमारा वन ब्लॉक, और इस वीडियो में भी देख सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। और ये वो ट्री है जो हमने पिछली वीडियो में लगाया था, और मैंने बोला था कि ये बड़ा होगा या नहीं, पर ये हो गया। और ये है हमारा वो वन ब्लॉक, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वॉल लगा दी है। वो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले तो मैं आपका व्यू दे देता हूँ एक इसका। तो भाई ऊपर बनाया है मैंने एक प्लेटफॉर्म जिस पे मेरा घर है, मतलब सॉरी मैं उस पे घर बनाऊंगा। तो मेरे पास ओक की वुड तो थी, तो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया। और ये भी मैं आपको पीछे से बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने फेंसेस लगा दिए हैं। और ये मैंने वॉल क्यों लगाई है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और भाई अभी मैं हूँ ना तीसरी फेस में, मतलब तीसरी बायोम बोल सकते हैं आप, तीसरी मतलब लेयर में हूँ। तो भाई ऐसा हुआ ना कि दूसरी बायोम में फट गया मेरे यहाँ पे क्रीपर, दो क्रीपर फटे और भाई आधे सामान मेरे नीचे गिर गए। और यहाँ पे फॉक्स भी आई थी जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से टैम किया, टैम तो कर लिया था पर तब भी ये भागती है, पीछे पीछे नहीं आती, बड़ी मुश्किल से अपने आप ही अंदर चली गई थी। मैंने फेंसेस पहले बना लिए थे तो अपने आप ही अंदर चली गई और काफ़ी मुश्किल से पकड़ा इसे। चलो अभी तो मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले बोन ब्लॉक से बना लिए मैंने बोन मिल 18। भाई ये चीटिंग करते हैं माइनक्राफ्ट वाले। भाई देखिए कितने बोन से हमारा एक बोन ब्लॉक बनता है, उस जितने इन्होंने दिए ना उसके कम से कम तीन गुने बोन मिल मिलने चाहिए थे हमें अगर मैं बोन से बनाता। चलो छोड़ो भाई, ग्रास उगा दिया ना मैंने, अब इसमें से एक सीड मिल जाए बस तब मैं फार्मिंग भी शुरू कर सकता हूँ। पर हाँ, हमारे पास फार्मिंग के लिए तो वाटर ही नहीं है। चलो देख लेंगे। वो यहाँ पे ये गड्ढा पड़ गया, मैं गिरने वाला था अभी बच गया। चलो यहाँ पे लगा देता हूँ इस गड्ढे को, और भाई पहले ग्रास निकाल लेता हूँ, एक सीड मिल जाना चाहिए। ओ मिल गया, एक सीड तो मिल गया, चलो बढ़िया। और देखिए मेरे पास लावा भी है और एमराल्ड भी है और आयरन के काफ़ी सारे इंगट भी है और आयरन के बूट्स भी है। तो मैंने दूसरी जो फेस होती है लेयर वो कंप्लीट कर दी थी, और इस टाइम मैं तीसरी फेस में हूँ जिसमें मुझे देखिए गोल्ड भी मिला, ये बेरीज भी मिली और साथ में ये भी मिला कैंप फायर। और मैंने फॉक्स भी मिली थी, उसे भी थोड़ा टाइम किया जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी तो ये वो ट्री है, बाकी मैं इन फूलों को भी निकाल लूँगा, डाई बनाने के काम में आएगा। चलो और ये, और भाई एक नुकसान ये हुआ जो हमारी मशरूम वाली काऊ थी ना वो मर गई भाई क्रीपर की वजह से, क्योंकि जो मेरा वो काऊ का वो था ना, मतलब जिस फेंस में मैंने रखा हुआ था उनके, उसी के साथ वन ब्लॉक था, क्रीपर एकदम से स्पॉन हुआ, मुझे मौका नहीं मिला और फट गया। तो भाई वन ब्लॉक वालों ने पता नहीं क्या कैसे बनाया भाई, क्रीपर क्यों रखा इसमें, जो वो होता है ना क्या बोलते यार, क्या बोलते उसको, गन पाउडर, हाँ गन पाउडर, गन पाउडर का कोई और सोर्स भी रख सकते थे। चलो क्रीपर ही रखना था तो भाई संभलने का मौका तो देते, एकदम से बाहर निकला, जब तक पीछे ना जा पाए तब तक तो वो फट भी गया। तो भाई क्या कर सकते, तब तीन क्रीपर फटे यहाँ पे, दो क्रीपर फटे, और भाई दोनों बार कुछ ना कुछ हादसा हुआ, मेरे आधे सामान भी गिर गए। ओ भाई पोलर बियर आ गया, चलो इसे टैम कैसे करते वैसे मुझे पता नहीं है, आई थिंक कॉर्ड से करते हैं पता नहीं, चलो छोड़ो भाई। आइस दे रहा है, स्नो दे रहा है, स्नो ब्लॉक, चलो छोड़ो हम ये निकाल लेते, कॉबस्टोन दे रहा है, बाकी डर्ट दे रहा है, ओ फस्क आ गया। तो भाई यही था मेरा कारण, आपने देखा ना अभी, इसलिए मैंने ये वॉल लगाई थी ताकि कोई भी मॉन्स्टर स्पॉन हो तो भाई उसका जो वो ऊपर का होता है ना मतलब हेड, वो इसमें वॉल में फंस जाएगा जिससे उसे खुद ही डैमेज पड़ने लगेगा। ये मैंने ब्रेन लगाया था थोड़ा सा, बाकी काउ वगैरह होती मैं उसे धक्का दे देता आगे से। ये देखिए एक हस्क हुआ ना, अब देखना आप देखिए कितना डैमेज जा रहा है, खुद ही जा रहा है। और ये बस थोड़ा सा मैं खुद मार लेता हूँ उसे, बाकी साइड से मारूंगा भाई सीधे मार। चलो रात भी हो रही है, पहले सो लूँगा पर पता नहीं सो भी पाऊँगा, नहीं सो पाऊँगा क्योंकि देर आर नियर मॉन्स्टर आ जाएगा ना। तो भाई अब मारने चलता हूँ इसे, और एंचेंटेड बो लेके घूमता है, वो ड्रॉप नहीं की, चलो छोड़ो। तो इसलिए मैंने आईडी लगाया था, और बाई चांस अगर वो बाहर निकल भी जाते हैं, जैसे कि अगर कोई स्पॉन हो गया और बाहर भी निकल जाता है तो वो पल्ली साइड चला जाएगा जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लाइक क्रीपर आ गया। ओ लैपिस, चलो लैपिस, वैसे मैंने माइन भी किया था, पहले भी मिला था मुझे लैपिस, पर लैपिस का भी क्या काम,
भाई पहले इनको ऑब्सीडियन डायमंड देना चाहिए, तब लैपिस देना चाहिए ना भाई। अभी क्या काम लैपिस का, चलो छोड़ो, दे रहे तो छोड़ो। वैसे लैपिस से ब्लू डाई बन जाती है, चलो ब्लू डाई की काम आ जाए। बाकी इसे तो मैं शॉवर से निकालता हूँ। वो आइस भी दे रहा है, पर क्या फ़ायदा, सिल्क टच तो नहीं है भाई। सिल्क टच होती तो आइस भी ले लेता, और तब मैं पानी का एक अनलिमिटेड सोर्स भी बना लेता, फिर मैं फार्मिंग भी कर सकता था। हमें एक और बकेट पानी चाहिए, तभी मैं आगे फार्मिंग कर पाऊँगा। अभी मेरे पास एक बकेट पानी है, जो कि हमें उससे मिला था स्पेशल चेस्ट से, जो कि मैं कोलस्टोन जनरेटर बनाने के काम में आएगा। और मुझे लावा भी मिला था, एक और स्पेशल चेस्ट आया था जिसमें मुझे ब्लास्ट फर्नेस ब्रेड और लावा का वो बकेट मिला था। तो भाई आज बना दूंगा मैं कोलस्टोन जनरेटर, तब मैं ये जो डर्ट है ना नीचे की सारी, इसे भी निकाल दूंगा, इसकी जगह कोलस्टोन लगा दूंगा। ये जो स्टेयर्स बनाई है मैंने, इसकी जगह भी मैं लगा दूंगा कोलस्टोन। तो भाई कोलस्टोन लगा दूंगा काफ़ी सारे, क्योंकि अब तो कोलस्टोन जनरेटर बन जाएगा ना। तो भाई तो अभी एक काम करूँगा ना, फर्नेस बना लेता हूँ एक। तो जो मेरे पास और से ना, उन्हें मैं स्मेल्ट करने रख दूँगा, इंगट भी मिल जाएंगे। चलो वैसे है मेरे पास, चलो तीसरा फर्नेस भी रख दूँगा यहाँ पे। जैसे बस इसमें रखूँगा कोल, और मेरे पास और से हाँ गोल्ड की दो और है, चलो इसे लगा देता हूँ। दो इंगट तो मिल जाएंगे गोल्ड के, बाकी गोल्ड वैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों के काम नहीं आता। बाकी गोल्डन एप्पल बनाना हो अगर विलेजर को क्योर करने के लिए, या फिर जो हॉर्स होते ना उनको वो करने के लिए, ब्रीड करने के लिए, वो पोलर बियर, चलो छोड़ो, मुझे टैम करना नहीं आता यार पोलर बियर को। अरे ये कहाँ चला गया, अरे मेरी फॉक्स को मार रहा है यार, इसे मारना पड़ेगा, फॉक्स को मार देगा, नहीं तो मेरी फॉक्स को नहीं मरना चाहिए, बाकी ये मर जाए। तो भाई ये तो और मिल जाएगा, पर फॉक्स पता नहीं मिलेगी या नहीं, वो कॉर्ड गिराई। चलो यहाँ से जाता हूँ भाई, पोलर बियर को कैसे टैम करते यार। तो भाई अगर आपको पता है ना कि पोल पॉकेट एडिशन में अगर पोलर बियर को कैसे टैम करते, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि जो वो होता है ना जावा एडिशन, उसमें तो आई थिंक उससे करते हैं, रॉ कॉर्ड से, ये जो कॉर्ड होती है ना इसी से करते हैं जो इसने गिराया अभी। बाकी पॉकेट एडिशन में मैंने ट्राई किया था, कॉर्ड से हो नहीं रहा था। आप एक बार बता देना कमेंट में कि किससे टैम करते हैं, तो मैं अगली वीडियो में टैम भी करना सीख जाऊंगा। चलो एक और फॉक्स आ गई, तो बेरीज तो है मेरे पास, तो भाई इसे भी अंदर ले जाऊं। ओ कहाँ गई, अरे कहाँ गई, एक तो यहाँ पे, दूसरी कहाँ गई भाई, कहाँ गई। अरे भाई बहुत शरारती होती है, पता नहीं कहाँ भाग जाती है। आप इसे बेरीज भी खिला लो तब भी ये पता नहीं भागती रहती है, चाहे ये टैम ही क्यों ना हो जाए तब भी भागती रहती है, पता नहीं क्यों। भाई एक काम करता हूँ ना, एक क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ, वहाँ पे जाने के पर दूर पड़ता है ना, यहाँ पे ही, हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा। चलो एक फेंस बना लिया मैंने, यहाँ पे गेट लगा लूँगा एक फेंस का, ताकि मैं अंदर जा सकूँ। तो यहाँ पे गेट लगाना ज़रूरी है ना, तो इसे तो बाहर ही निकाल देता हूँ पोलर बियर। ओ एक यहाँ पे ना, अरे मुर्गियों के मरने की आवाज़ आ रही है, कुछ तो हो रहा है यार। ओ फॉक्स ने मार दिए सारी मुर्गियों को, अरे यार पर यहाँ पे पहुँच कैसे यार, फेंसेस तो बंद थे, क्या ये फेंसेस के ऊपर से जा सकती है, अरे पता नहीं कैसे गई। अरे मुर्गियाँ मर गई मेरी, चलो फिर से स्पॉन हो जाएगी वन ब्लॉक से, तो कर लेंगे टाइम। बाकी ये फॉक्सेस ना, ये मुर्गियों को मार देती है और फॉक्सेस को पोलर बियर मार देता है, यार दुश्मनी है बस में इनकी। चलो छोड़ो भाई, देखिए कैसे खा रही, अब देखो खिला दिया ना मैंने, अब भी भाग दिए, देखो मेरे पीछे नहीं आएगी तब भी भागेगी। चलो इसे यहीं रहने देता हूँ, एकदम निकलूँगा नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। चलो बंद कर दिया, चलो भाई अब शुरू करता हूँ। चलो स्नोबॉल और ये कोलस्टोन डायराइट, और फिर से इसे तो शॉवर से निकालूंगा ना। चलो डर्ट, वो आइस का क्या काम, वैसे काम तो बहुत है पर निकालूंगा कैसे आइस को। एक बार एक और बकेट मिल जाए ना पानी की, अरे अब तो दो बकेट चाहिए, हाँ एक और बकेट, क्योंकि जो मैं जो वो बनाऊंगा ना पहले इस वीडियो में, तो मैं पानी सॉरी कोलस्टोन जनरेटर तो बना दूंगा, ये तो पक्का है। तो भाई जब मुझे एक और बकेट मिलेगी ना पानी की, तो मैं कोलस्टोन जनरेटर से बकेट की पानी की निकाल लूँगा और लगा दूंगा, मतलब पानी का लिमिटेड सोर्स बना लूँगा। फिर तो उसमें से चाहे जितनी बकेट निकालो, एक बकेट जा सीधे उसमें डाल दूंगा, क्या बोलते उसको कोलस्टोन जनरेटर में। ओ भाई इसमें ओपी लूट मिली, 22 बोन्स और 13 इंगट,
इसमें अच्छी लूट मिली थोड़ी। चलो बढ़िया है, इसे मैं रख लेता हूँ चेस्ट में। होना नहीं चाहता ना, क्योंकि अगर कोई मॉब स्पॉन हो गया, वैसे भी वो पल्ली साइड जाएगा, पर इसका ये पता नहीं होता कभी भी, अगर मॉब हमें देख ले तो वो हमारी तरफ भी आ जाता है। तो भाई क्रीपर स्पॉन हो गया वो तो पल्ली साइड चला जाएगा, ये तो पता नहीं है, वो तो उसके मूड पे डिपेंड है। पर क्रीपर की ये अच्छी बात है कि वो तभी फटता है जब वो अपने चेहरे से हमें देखता है। तो भाई उसका चेहरा तो ब्लॉक के अंदर होगा तो वो हमें देख नहीं पाएगा और फटेगा भी नहीं। वो एक और फॉक्स, चलो खुद ही चली गई अंदर, बढ़िया है खुद ही चली गई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये फेंस बंद कर लेता हूँ। देखिए फेंसेस मुंह में ले रखा है यार, बड़ी शरारती होती है फॉक्स। तो भाई फेंसेस मुंह में ले रखा है, चलो इसके लिए थोड़ी सी बैरिस ड्रॉप कर देता हूँ। खाएगी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, चलो कर तो दिया, इसकी मर्जी खाएगी या नहीं। भाई ये परेशान कर रहा है मुझे। तो भाई यहाँ से निकालना शुरू करता हूँ, डर्ट और डर्ट डर्ट दे रहा है। चलो आइस दी, चलो आइस का क्या काम, ओ आयरन ओर। तो भाई है मेरे पास स्टोन की पिकैक्स, उससे निकाल लूँगा। भाई हो गया, चलो और शॉवल तो है तो फर्नेस में रख देता हूँ इनको आई थिंक। हाँ मेरे पास चारकोल तो है, बाकी मैंने चारकोल बनाई थी थोड़ी सी, लेकिन इंगट तैयार हो गए, चारकोल रखता हूँ। और ये और चेस्ट में भी है आई थिंक, हाँ ये बस, ओ एक और है, हाँ चलो इसे रख लेता हूँ। बस पांच हो गई, पांच इंगट तो मिल जाएंगे। तो भाई कमेंट करना ना भूलिएगा कि टाइम कैसे करते हैं उसको पोलर डियर को। वैसे मैंने जावा एडिशन में देखा है बहुत कि जावा एडिशन में तो उससे करते हैं ना, कॉर्ड से, मछली से। तो भाई पर पॉकेट एडिशन में शायद इसका सिस्टम शायद अलग हो। वैसे अच्छा होता है ये पोलर बियर, जो हॉस्टाइल मॉब होते हैं ना, सॉरी मॉब, उन पे अटैक करता है ये, लाइक जो मॉन्स्टर होता है, स्लाइम होती है, इन पे अटैक करता है ये, या स्केल्टन होता है, इनके इन पे अटैक करता है, तो हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। अगर मॉब आ जाए तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं, ये मॉब पे अटैक करता है। तो भाई ये तो बढ़िया चीज़ है इनकी, पर टैम कैसे करते हैं वो मुझे पता नहीं लग रहा है यार। कॉर्ड से मैंने ट्राई किया था, हो नहीं रहा है। तो भाई ये हमें स्नोबॉल दे रहा है, स्नोबॉल का क्या काम, स्नो ब्लॉक बना के हमें मिलेगा क्या? ऐसा होता कि स्नो ब्लॉक से हम आइस बन सकती और आइस से वाटर, तो भाई अच्छा होता ना। पर स्नो तो स्नो है, इसका यूज़ बस घर बनाने के लिए या कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। चलो भाई छोड़ो, बाकी स्नो बॉल का भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। तो अभी तो एंट्री साइड दिया डर्ट और ए फेस से आ गया, चलो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब काफ़ी सारी स्नो बॉल दे दिया, मुझे स्नो बॉल वैसे भी नहीं चाहिए, मैं स्नो गोलम भी बना सकता हूँ, उससे हमें काफ़ी सारी स्नो बॉल मिल जाएंगी। पर स्नो बॉल का हम करेंगे क्या? चलो भाई छोड़ो, वुड दे रही है, तीसरी फेस में वुड मिलती है। तो भाई ये क्या स्पॉन हुआ, ओ पोलर बियर, अरे ये मुझे मार क्यों रहा है, चलो इसे मारना ही पड़ेगा। आई थिंक मैंने इसे गलती से मार दिया था, तो ये मुझ पर अटैक कर रहा है। देखिए कॉर्ड ना, देखिए टाइम नहीं हो रहा है, देखिए कोई बटन नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलो मैं ही खा लेता हूँ तब। तो पॉकेट एडिशन में कैसे करते हैं ये मुझे पता नहीं, आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो भाई एक और हस्क आ गया, चलो ये मर जाएगा खुद ही, एक हिट मारूंगा बस आई थिंक, एक हाँ बस एक हिट में मर गया, बाकी आधा डैमेज तो इससे खुद ही दे दिया। तो ये मेरा आइडिया है, आपने देख लिया होगा। तो भाई इस आइडिया से काफ़ी सारे मुझे मदद मिल सकती है और मुझे कोई डैमेज भी नहीं होगा, नहीं तो अगर ये वॉल नहीं होती ना तो अभी मैं गया था, क्योंकि सीधे ये हस्क मुझ पर अटैक कर देता। पर वैसे मेरे पास अब आयरन है तो मैं शील्ड भी बना सकता हूँ, पर भाई क्रीपर से मुझको तो शील्ड बचा लेगी, पर मेरे जो आसपास की चीज़ है उसे नहीं बचा पाएगी ना। तो भाई क्रीपर से तो सबको ही डर लगता है, क्रीपर सबको बुरा लगता है। तो भाई तोड़ लेता हूँ इसे, वो एक और हस्क, चलो ये तो मर जाएगा। भाई रात भी हो रही है तो मैं सो भी जाऊँगा अब, और मेरा हंगर मीटर भी डाउन है तो इसे भी फुल करूँगा। वो हस्क कहाँ गया, वो यहीं पे है, चलो इसे नीचे से ही मारूँगा। वो एक हिट और, शायद एक हिट और बस, एक हिट और, अरे यार एक हिट और चाहिए बस, इसे मर जाएगा तब। एक हिट एक हिट एक हिट बस, एक हिट बस गया। तो भाई ये तो निकालना पड़ेगा, चलो एक्सपी तो दूर से भी मिल जाता, वो 8 एक्सपी हो गया,
क्रीपर के मरने के बाद मेरे काफ़ी सारा एक्सपी चला गया था। आई थिंक 8 या 9 ही एक्सपी था उस टाइम भी जब क्रीपर फटा था। मैं ऑफलाइन खेल रहा था उस टाइम, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ऑफलाइन खेल रहा था ना तो क्रीपर फट गया भाई, दो क्रीपर फटे। पहले एक क्रीपर फटा ना तो भाई चेस्ट के स्मार्ट चेस्ट बच गए थे उस टाइम, बाकी मेरा फर्नेस उड़ गया था उस टाइम, बेड तो बच ही गया था, वो पीछे की साइड था। बाकी दूसरी बार फटा ना तो चेस्ट के सामान भी उड़ गए। आई थिंक वुड और थोड़ी सी डर्ट नीचे गिर गई थी, और भी कई सामान थे लाइक मेरे थोड़ा सा फूड था वो भी नीचे गिर गया था। चलो छोड़ो, जो गिर गया वो वापस तो नहीं आने वाला भाई। अभी एक काम कर रहा हूँ कि वुड ले लेता हूँ और एक जगह पर रख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में जब मुझे घर बनाना हो ना। ओ आई थिंक पोलर बियर बड़ा हो रहा है ये पोलर बियर। चलो जब सीख लूँगा ना तो भाई टाइम कैसे करते हैं तभी से टाइम भी कर लूँगा। वैसे कॉर्ड से करते यार, मुझे अभी भी डाउट है, तो चलो भाई छोड़ दो अब भाई। ये यहाँ पे भी थोड़े से प्लैंक है मेरे पास, एक ही चेस्ट में रख लूँगा, बाकी बाद में जब मुझे वो बनाना होना तो अपना घर तो मिल जाए आसानी से। वरना ऐसे बिखरे हुए सामान चेस्ट भी बाहर रखे हुए हैं, इन्हें तो मैं अंदर कर दूँगा। वैसे बस एक बार घर बनने दो तो अगली वीडियो तक तो घर बन ही जाएगा। तो भाई एक ही चेस्ट में रखी है मैंने सारी वुड, तो एक चेस्ट में ठीक रहती है ना, ताकि बाद में मुझे मिल जाए आसानी से। कैंप फायर भी है, वैसे मैं बना सकता था कैंप फायर, पर चलो हमें मिल गई चेस्ट में, 2 कैंप फायर मिली है तो दोनों को लगा दूंगा अपने घर में। तो अभी तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक लगाता हूँ और इसे निकालना शुरू करता हूँ। तो इसके लिए तो पिकैक्स, चलो जल्दी जल्दी वायरन मिला, और ये तो वही पुरानी डार्ट भाई। सिल्क टच चाहिए था यार, सिल्क टच चाहिए। चलो भाई सिल्क टच अभी काम ही देगा, उसके लिए तो पहले डायमंड चाहिए, तो डायमंड मिल जाए जल्दी से। वो तो आई थिंक इस फेस में नहीं मिलेंगे, 4th-5th फेस में जाके डायमंड मिलेंगे। तो भाई ये मैप भारत का नहीं है, आई थिंक इंडिया का नहीं है, मतलब इंडिया के लोगों ने नहीं बनाया, ये स्पेनिश लोगों का मैप है, उन्होंने बनाया, स्पेनिश के यूट्यूबर भी है, यूट्यूबर है स्पेनिश का, उसने बनाया है। तो इसलिए इसमें देखिए आप चेस्ट में भी आप देखेंगे ना तो अलग ही नाम लिख के आता स्पेनिश लैंग्वेज में। तो भाई हस्की को तो मैंने मार लिया, तो शायद हस्की बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, आई थिंक हस्की बोलते हैं, ज़्यादा तक मुझे पता है हस्की बोलते हैं। तो भाई अब इसे निकालूंगा शॉवल से, शॉवल से जल्दी निकलती है ना। तो भाई अरे मेरी पिकेक्स भी जाने वाली है, इसलिए एक और हस्की, चलो ये तो आधा डैमेज तो चला जाएगा इसे, क्योंकि तो बस हो गया इसका तो काम तमाम नहीं। तो ऐसे ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने खुद ही इन्वेंट किया है। तो ऐसे ये आइडिया मुझे स्काई ब्लॉक प्लैनेट मैप से आया था, क्योंकि याद है स्काई ब्लॉक प्लैनेट मैप में मैंने आपको बोला था कि बेड के ऊपर एक 2 ब्लॉक की जगह रखनी होती है, वरना आपका हेड जैसे ही आप उठते हैं ना तो आपका हेड ऊपर चला जाता है और वो आपको डैमेज जाने लगता है। तो उसी से मेरे को आइडिया आया कि अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक रखूँ तो जो भी स्पॉन होगा ना तो उसका हेड ऊपर रहेगा, बाकी जो ऐसे स्पॉन होंगे ना लाइक काउ स्पॉन होगी उसका हेड ऊपर की तरफ नहीं आगे की तरफ होता है तो वो बच जाएगी, क्योंकि उसका हेड इस तरफ होगा तो वो मरेगी नहीं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर, हाँ कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसमें वाटर जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से ये लगा लेता हूँ और यहाँ से तो वाटर जाएगा इसमें, यहाँ पे होगा कॉबलस्टोन और यहाँ पे आएगा लावा। अब यहाँ पे और यहाँ पे डालूंगा ना पानी,
और यहाँ पे बनेगा कोबस्टोन, यहाँ पे डालूंगा लावा। आप देखना, आप ये बन गया हमारा कोबस्टोन जनरेटर, डन। तो भाई आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।